पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। इनका एक ही नारा है, झूठ बोलने का और लूटने का। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी, जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी, जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। इलेक्ट्रोरल बॉन्ड का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है, तमाम जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली, उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। इनका एक ही नारा है, झूठ बोलने का और लूटने का। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। पेपर लीक कितने हुए हैं? 1-2 होते तो ठीक था, लेकिन 10 पेपर लीक हुए। और मैंने कई मौकों पर वो बात बताई कि अगर एक परिवार के हम केवल 3 सदस्यों को मान लें, जिस व्यक्ति ने परीक्षा लिखने की तैयारी की, जो परीक्षा नहीं दे पाया पेपर लीक के कारण, और उसके मां बाप को अगर हम जोड़ लें, तो ऐसे 60 लाख नौजवान हैं। 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया,
और अगर 60 लाख का गुणा करें हम तीन से, 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं से, तो भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट हर लोकसभा में कम हुआ है। इसलिए एक भी वोट बट ना पाए, भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। और गाजियाबाद में कार्यक्रम इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है, वो तो इंडिया गठबंधन का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। INDIA तो इंडिया होता है, इंडी कब से हो गया? यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक, जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे, और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं, और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है, इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है।